हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज नीट 2021 के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग हेडलाइंस है। फाइनली नीट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो फाइनली ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, पूरा आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी देख सकते हैं कि क्या आपकी न्यूज़ चल रही है। तो पूरा आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या आपकी न्यूज़ है, क्या ऑफिशियल नोटिस आया है, उस नोटिस के अंदर क्या लिखा गया है नीट के एग्ज़ाम को लेकर, और एग्ज़ाम डेट वो क्यों पोस्टपोन की गई है, रीजन क्या है उसका, वो पूरा आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यदि आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर, अन अकेडमी पिनेकल, जो कि आपको मौका मिलेगा कॉम्पीट करने का अचीवर्स के साथ। तो एक यूनिक टेस्ट सीरीज़ है जो कि क्यूरेट की गई है जो प्रीवियस ईयर के नीट यूजी के टॉपर्स हैं उनके थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये 17 अप्रैल का से आपका स्टार्ट हो रहा है इवनिंग 2 PM, और इनरोलमेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, वहां से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। तो अचीवर्स से, जो प्रीवियस के अचीवर्स रहे हैं, जो टॉपर्स रहे हैं, उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा गया है एक नीट यूजी, जो कि अन अकेडमी कॉम्बैट नाम से है। ये आपका एक वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, एवरी संडे आपका रखा जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम कॉम्बैट के लिए इनरोल क्यों करें, तो देखिए क्या क्या बेनिफिट्स है। 3.5 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिलेगा। आप अपने एंड्रॉयड फोन से लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहेगा, और ये जो आपका कॉम्बैट होने वाला है ये 60 मिनट्स का रहेगा। टोटल 3 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और बायो के 2 पार्ट्स होंगे जो बॉटनी एंड जियोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टेस्ट आपका एवरी संडे होता है, और फ्रेंड्स ये 60 मिनट का होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि प्राइजेस भी रखे गए हैं जो विनर्स रहेंगे उनके लिए। जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जो 150 विनर्स रहेंगे उनको भी एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आप लोगों को रेफरल कोड PRIYA2010 यूज करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो टेस्ट है वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, 60 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है, 28 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो सेपरेट रहेगा कॉन्टेस्ट क्लास 11th, क्लास 12th एंड ड्रॉपर ईयर स्टूडेंट के लिए 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टेस्ट के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। और जो नीट यूजी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर है, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आज ही खरीदिए, और ये जो सब्सक्रिप्शन होगा ये वैलिड होगा टिल July 31st तक, क्योंकि 1 अगस्त को एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस की गई थी। तो उस अकॉर्डिंग ही ये आप लोगों के लिए बम्पर ऑफर है। तो फ्रेंड्स, ये है रेफरल कोड PRIYA2010। अन अकेडमी के जो भी फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हैं PRIYA2010 रेफरल कोड यूज़ करने के बाद। और साथ में फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा PRIYA2010 रेफरल कोड यूज़ करने से। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो नीट 2021 स्टूडेंट है ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, ठीक है। तो क्या नोटिस है, और एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, तो पोस्टपोन करने के बाद एग्जाम आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा, ये पूरी न्यूज़ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ चल रही है वो, उसके बाद जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो भी मैं उसी के अंदर आपका लेने वाली हूँ। तो देखिए, तो देखिए क्या है, नीट PG 2021 एग्जाम डेट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, हियर इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है, आप देख सकते हैं आज ही की न्यूज़ है ये। तो नीट PG 2021 एग्जाम डेट इन अ मेजर डेवलपमेंट रिगार्डिंग द नीट PG 2021 एग्जाम, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एग्जाम्स। द अनाउंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट डेट विल बी डन लेटर। द डिसीजन वॉज टेकन इन लाइट ऑफ द राइजिंग नंबर ऑफ
कोरोना वायरस केसेस इन द कंट्री द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ऑन हिज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली जो ट्विटर के ऊपर हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंसमेंट जारी की है कि जो कोरोना वायरस के केसेस है वो अपने देश में बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। कोरोना बहुत ज़्यादा केसेस आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन होगा। तो द अनाउंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट डेट विल बी डन लेटर। और जो नेक्स्ट डेट जो आपकी आएगी वो बहुत जल्द आपकी अनाउंस कर दी जाएगी। नीट पीजी की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम 18 अप्रैल को आपका होना था। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए थे लेकिन ये सब होने के बावजूद जो एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। न्यू डेट अभी दी नहीं गई है, थोड़ा टाइम लगेगा न्यू डेट में। द डिसीजन वॉज टेकन इन लाइट ऑफ द राइजिंग नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेज इन द कंट्री। द मिनिस्टर सेड इन हिज ट्विटर द टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेज रिपोर्टेड वर इन एक्सेस ऑफ 2 लाख इन 24 आवर्स टिल द लास्ट रिपोर्ट के। तो 24 घंटे में 2 लाख केस आ रहे हैं। देखिए द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ऑन हिज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। तो देखिए ये आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या ट्वीट किया है। तो इन लाइट ऑफ द सर्ज इन COVID-19 केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन नीट पीजी 2021 एग्जाम विच वाज अर्लियर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 18 अप्रैल, ठीक है, जो कि 18 अप्रैल को आपका होना था। नेक्स्ट डेट टू बी डिसाइडेड लेटर। डिसीजन हैज़ बीन टेकन कीपिंग वेलबींग ऑफ अवर यंग मेडिकल स्टूडेंट्स इन माइंड। तो फ्रेंड्स ये था आपका ऑफिशियल नोटिस, देख सकते हैं। और जो NBE की जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आपको मिल जाएगा। देखिए क्या दिया है डायरेक्टली, कंडक्ट ऑफ नीट पीजी 2021 रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है, आप देख सकते हैं पोस्टपोन कर दिया गया है। 18 अप्रैल को जो एग्जाम होना था वो फाइनली आपका पोस्टपोन कर दिया गया है और जो नेक्स्ट डेट है वो बहुत जल्द आपकी रिलीज कर दी जाएगी। आफ्टर CBSE कैंसल्ड क्लास 10th एग्जाम एंड पोस्टपोन क्लास 12th एग्जाम 2021 देर वॉज क्लेमर टू पोस्टपोन नीट PG 2021 एग्जाम। नीट 2021 एस्पायरेंट्स हैव टेकन टू ट्विटर टू पुश फॉर देयर डिमांड विद पोस्ट नीट PG कैंपेन। तो द स्टूडेंट्स हैव बीन अर्जिंग नीट अथॉरिटीज टू पोस्टपोन द एग्जाम टू लेटर डेट। द नीट PG 2021 एडमिट्स कार्ड वॉज रिलीज ऑन 14th अप्रैल 2021। तो एडमिट कार्ड था वो 14 अप्रैल को आपका रिलीज हो चुका था, ठीक है, नीट PG के लिए। और जो शेड्यूल किया गया था एग्जाम वो 18th अप्रैल को शेड्यूल किया गया था। तो अर्लियर द बोर्ड हैज रिट्रेटेड दैट द नीट 2021 विल बी हेल्ड एज पर द शेड्यूल। नाउ विद द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आइदर कैंसलिंग और पोस्टपोनिंग द रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम एंड रिसेंटली CBSE ऑल्सो डिसाइडिंग ऑन द सेम लाइन। नीट 2021 एस्पायरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट देयर एग्जाम पोस्टपोन इन द व्यू ऑफ स्पाइक इन COVID-19 केसेस। नीट PG एग्जाम्स आर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम एंड स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी under immense pressure due to ongoing pandemic. I request to आपका Ministry of Health and Family Welfare India to reasonable and postpone the examination. These doctors are our backbone, ठीक है। तो finally आपका नीट 18th अप्रैल को एग्जाम होना था। पहले ये बोला जा रहा था कि स्टूडेंट्स ने जैसे बोला कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, तब गवर्नमेंट ने ये बोला था कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, जो शेड्यूल दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अब फाइनली ये हो चुका है कि जो एग्जाम है पीजी का नीट पीजी का वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। तो थ्रू आउट द इंडिया डॉक्टर्स आर वर्किंग सो हार्डली डे एंड नाइट, इवन देन आवर जेन्युइन कंसर्न आर नॉट बीन कंसिडर्ड, आवर एंड आवर फैमिलीज हेल्थ आर बीइंग पुट अंडर रिस्क बाय कंडक्टिंग नीट PG इन सच ए डिफिकल्ट टाइम, काइंडली हेल्प अस, पोस्टेड अनदर ट्विटर यूजर हु गोज बाय नेम डॉक्टर इला तिवारी। अर्लियर अ फ्यू डे एगो अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट हैड रिटर्न टू NBE फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट PG 2021 एग्जाम, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है
है 1,74,886 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नीट पीजी एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था। और क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ का आपको पता है सभी को कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, अभी वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जाने वाले। और जो COVID-19 के केसेज है फ्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को बच के रहना है, जितने भी सिक्योरिटी है आपकी वो सारी आपको फॉलो करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है COVID-19 से बचने के लिए वो आपको फॉलो करनी है, कम से कम आपको बाहर जाना है ताकि आप इस पैंडेमिक के शिकार ना हो। तो जैसे ही आपकी, अगर मैं नीट यूजी की बात करूँ तो नीट यूजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि एग्ज़ाम डेट उनके भी काफ़ी लंबे टाइम पहले आपका जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी थी लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अब तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये हो सकता है, या ये मान लीजिए कि नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो भी अब आपका पोस्टपोन होने का कगार पे है। बोला जा रहा है कि सेप्टेम्बर मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम्स होने थे वो आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको और भी टाइम मिल सकता है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है मैं अपने चैनल के ऊपर ज़रूर डालूंगी। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।